दोस्तों, आज हम मानव सभ्यता की उस सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। पुरातत्वविदों के हिसाब से यह सभ्यता लगभग 3500 बीसी के आसपास की थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो इसका विस्तार काल 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच का माना जाता है। दोस्तों, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास विस्तारित थी। इस सभ्यता में हमें ड्राई लेप्स मिले हैं और जो कॉपर की प्लेट्स मिली हैं, जो स्तंभ मिले हैं, पत्थरों की दीवारें हैं, क्ले टैबलेट्स मिले हैं और जितने औजार मिले हैं या बर्तन मिले, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने, कुछ कलाकृतियां मिली, मूर्तियां मिली हैं, इनके आधार पर हम इन जो है सभ्यता के बारे में काफी विस्तार से जानेंगे। हालांकि ये जो सभ्यता रही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सबसे पहले 1921 से 22 के दौरान दयाराम साहनी के निर्देश में खोजी गई थी। इस सभ्यता में जो सबसे पहला हमें स्थल मिला ये हड़प्पा नामक जगह और मोहनजोदारो नामक जगह रही। ये 1921 से 22 के दौरान खोजी गई थी। हड़प्पा नामक जगह की खोज दयाराम साहनी ने और मोहनजोदारो नामक जगह की खोज आरडी बनर्जी ने की थी। यह सभ्यता का विस्तार इंडस नदी, जिसको आप बोलते हैं, यानी सिंधु नदी के आसपास था, किनारे पर था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको दिमाग में रखना है। दोस्तों, अब इस नगर का अगर हम सभ्यता का विस्तार देखें तो वहाँ ये इंडस नदी के साथ साथ उसके आसपास एक सरस्वती नदी भी बहती थी जो आज लगभग गायब हो चुकी है। सरस्वती नदी सूख चुकी है, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इस जो सभ्यता रही इसका अगर हम विस्तार देखें दोस्तों कि किन किन प्रांतों में रहा, तो महत्वपूर्ण स्थल सिंध, बलूचिस्तान में सिद्का गेंडोर, भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू का मांडा जिला, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का दैमाबाद में कुछ महत्वपूर्ण हमारे पूरा स्थल मिले हैं। दोस्तों, अब आइए इनके नगर विन्यास यानी टाउन प्लानिंग पर हम नजर डालते हैं कि इनके नगरों को इन्होंने कैसे विकसित किया था, कितने महत्वपूर्ण थे, तो उन नगरों के बारे में, रहन सहन के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इनके नगर विन्यास पर। तो जो हमें इस सभ्यता के नगर मिले हैं यह एक दो पार्ट में बटे थे, दो हिस्सों में विस्तारित थे। एक आपका उच्च स्थान पर बसा हुआ था जो माना जाता है अमीर वर्ग या व्यापारी वर्ग के लिए था, इसे सिटाडेल बोलते हैं। वहीं जो दूसरा आपका था लोअर पार्ट में बसा हुआ था जिसको लोअर टाउन बोलते हैं, यह माना जाता है मजदूर वर्ग के लिए विशेष रूप से बसाया हुआ था। अब दोस्तों, हम जो आपका मेन है मुख्य यानी नगर था जिसे सिटाडेल बोलते हैं, इसमें देखें तो सिटाडेल यह मुख्य केंद्र हुआ करता था नगर का। इसमें चारों ओर से दुर्ग से यह घिरा हुआ था। वहीं लोअर जो आपका टाउन है यानी जो मजदूर वर्ग के लिए बसा हुआ था, इसमें देखें तो नगर में अंदर जाने के लिए आपकी पक्की सड़क बनी थी, सड़क के दोनों ओर मकान बने थे और सड़क में बीचों बीच एक जो है नालियां गुजरती थीं। ये नालियां हर घरों से, छोटी छोटी नालियों से आकर जुड़ती थीं और इनमें जो सड़कें थे ये है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती। ये चेसबोर्ड की जैसी आकृति इनकी टाउन प्लानिंग की हमें दिखाई देती है। वहीं इनमें जो मकानों की बात करें, एक मंजिल और दो मंजिल के मकान दिखाई देते हैं, मिले हैं ऐसा साक्ष्य। और वहीं इनकी प्लानिंग ग्रिड सिस्टम यानी ग्रिड पद्धति के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों, इनके नगर विन्यास में अगर हम आगे बढ़ें लोअर टाउन में, तो ये आपको मिलेंगे कि जो हमारे मुख्य सड़कें थी इनमें छोटी छोटी इनसे गलियों से होकर के रास्ता जाता था। जो आपके मकान थे ये हैं, इनमें देखें तो अलग अलग इस्तेमाल के लिए, जैसे रसोई घर के लिए अलग कमरा, इनमें खुले आंगन मिले हैं, आंगन में सीढ़ियां मिली हैं और वहीं नहाने के लिए भी अलग कमरे होते थे जिनमें, और नहाने के लिए जो वेस्ट पानी होता था आपका, ये पानी यहाँ से इन घरों से होते हुए, यानी घरों में से छोटी नालियाँ होती थी, उन छोटी नालियों से होते हुए बाहर ये बड़ी नालियों से मिलते थे और बड़ी नालियाँ बाहर की ओर, नगर से बाहर की ओर जो है मुख्य नालियों से जुड़ करके पूरा पानी बाहर जाता था। यह नालियां पूरी तरीके से ढकी होती थी और सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे आपका ऐसा मिला है जो कवर्ड फुल्ली ड्रेनेज सिस्टम था, यानी अपवाह तंत्र पूरी तरीके से ढका था, यानी यह सैनिटेशन को बहुत ज्यादा अवेयर थे। वहीं पब्लिक बेल मिलते थे, तीन चार घरों के लिए इस्तेमाल के लिए पानी जो होता था वो एक कुएं से जाता था। दोस्तों,
अब इनमें हम देखें दोस्तों कौन सी अन्य चीजें रही, तो एग्रीकल्चर पर हम आते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि ये सभ्यता के लोग किन किन फसलों की खेती करते थे, तो हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। हल के साक्ष्य से हमें पता चलता है, हम अनुमान लगाते हैं कि ये खेती करते थे। अब खेती में जो फसलों के साक्ष्य मिले हैं उनमें आपका गेहूं, दालें, कहीं कहीं से हमें मस्टर्ड के भी मिले हैं, वहीं चावल के साथ बहुत कम मिले हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये चावल की भी खेती करते थे। मछलियों का पालन, बकरियों का पालन भी ये करते थे। अब हम दोस्तों इनके जानवरों के बारे में बात करें, तो जानवरों में हमें कुत्ते और बकरियों के कंकाल मिले हैं, इसलिए हमें मानना जाता है कि ये दोनों पालतू जानवर। कुछ हमें मोहरें मिली हैं जिन मोहरों पर योग की मुद्रा में जानवर जैसे हिरन, चीता, आपके इन सब के साथ मिले हैं, एक सींग वाले जो आपको जानवर दिखाई देता है। कहीं पर भी गाय, हाथी और शेर के भी कंकाल नहीं मिले हैं। मोहरों की भाषा में कई ऐसे मिले हैं सिलबन जिनमें योग की मुद्रा वाला। वहीं दोस्तों अब हम इनमें बात करें तो ये गहनों का भी निर्माण करते थे, पुरुष और स्त्री दोनों गहनों के शौकीन होते थे। गहनों ये धातुओं को पिघला कर भी बनाते थे दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हाँ। और इनमें कई डिजाइन के होते थे, पुरुष हाथों में ब्रेसलेट पहनते थे, वह महिलाएं जो है माला के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करती थी गहनों को। दोस्तों अन्य चीजों पर देखें तो ये जो कपड़े पहनते थे, कपड़े इनमें सुई के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इसका एक तरीके से सेंस जाता है कि कपड़े ये हाथों से सिल करके पहनते थे। और कई जगह पर यह भी साक्ष्य मिला है कि यह जो मूर्तियां बनाते थे, स्कल्पचर इनका होता था, यह धातुओं को पिघला कर उनको मेटल्स को गला कर ये धातुएं बनाते थे। ये मूर्तियां कांच से बनी होती थी, इनके हमें प्रमाण मिले हैं। वहीं पर आगे बात करें तो यह एक मिट्टी से बनाए खिलौने बनाते थे जिन पर तरह तरह के सजावट करते थे। इनसे बने जो खिलौने होते थे इस मिट्टी से, इस मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इस मिट्टी को हम टेराकोटा बोलते हैं और इन मिट्टियों से खिलौने बनाए जाते थे। वहीं खिलौनों में हमें अच्छी अच्छी पटरियां मिली हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो इनकी पटरियां होते थे ये काफी सजावटें दी जाती थी। इनमें कई तरीके के बर्तन मिले हैं, पॉलिशीकृत मिले हैं, यानी ऊपर उनको पॉलिश करके सजाया जाता था, जिन पर सांप की आकृति या पशुओं की आकृति, फूल पत्तियों की आकृति भी मिली है। ये पटरियां काफी चमकदार होती थी, यानी बाहर इनकी डिजाइनिंग अच्छे से दी जाती थी। ये टेराकोटा से बनी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जिनमें बैलगाड़ी के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी हमें धातुओं से बनी मिली हैं, यानी इनमें पहिए लगे होते थे, संभवतः इसका इस्तेमाल वो अपने व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते रहे होंगे, यानी उस समय ये व्यवसाय करते थे। वहीं पर अगर हम देखें तो कॉटन वीविंग स्पिंडल्स के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी ये है धागे का निर्माण करते थे जिनसे ये कपड़े की बुनाई करते थे। कपड़े की बुनाई से अब इसमें जो महिलाएं थी और पुरुष थी, महिलाएं स्कर्ट के रूप में कपड़े पहनती थी, वहीं पुरुष कपड़े लपेट कर पहनते थे, ये हमें ध्यान रखना है, महिलाएं स्कर्ट के रूप में कपड़े पहनती थी। अन्य चीजों की बात करें गहनों की, तो गहनों में बहुत तरीके के गहने आते हैं। इनमें ब्रेसलेट, जो पुरुष होते थे खासकर पुरुष वर्ग, ये हाथों में ब्रेसलेट पहनते थे, वहीं महिलाएं कई प्रकार के आपके माला भी पहनती थी। अगर हम इनके माप तोल पर बात करें तो जो हड़प्पन से इनकी विकसित सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, गोदाम, विभिन्न प्रकार की मोहरें, लिपि और मापदंड के तरीकों से यह पता चलता है कि इनका व्यापार उच्च विस्तृत तरीकों पर आधारित था। ऐसे भी साक्ष्य मौजूद हैं कि हड़प्पन भारत के अंदर के साथ ही साथ अन्य एशियाई देशों से व्यापार करते थे। वह इजिप्ट, बेबीलोन और अफगानिस्तान से भी व्यापार करते थे, यानी इनका व्यापार काफी विकसित था। हड़प्पंस इंडस कल्चर जोन के भीतर व्यापार जैसे पत्थर, धातु, सीप आदि वस्तुओं का करते थे। कुछ मामलों में सामान्य वस्तुएं हर जगह पाई गई हैं, जो एक प्रकार व्यापार को दर्शाती हैं, यानी इस वस्तु का हर जगह इस्तेमाल होता था। हालांकि वह धातु मुद्रा की जगह वस्तुओं की विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अगली बात करें तो कुछ शहर आपके जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल धातु कर्म, औजार बनाने, हथियार, रसोई के सामान और अन्य वस्तुओं के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे, यानी यहां से व्यापार अन्य जगहों को भेजा जाता था।
वहीं चावल की बात करें तो चावल गुजरात से पंजाब को आयात होता था। लोथल और सुटकोट दा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बनवाली जैसे शहरों के विकास के लिए काटन प्रदान करते थे। अगली बात करें तो बालाकोट और चन्हुदड़ो दो ऐसे शहर रहे, सीपकारी और चूड़ी निर्माण के ये मुख्यतः केंद्र थे। लोथल और चन्हुदड़ो कार्नियल माला के निर्माण के भी केंद्र थे, यानी यहाँ कार्नियल माला बनाई जाती थी। आंतरिक व्यापार के अलावा हड़प्पंस अपने पश्चिमी पड़ोसी से भी वाणिज्यिक संपर्क रखते थे। लोथल, सिद्धकोट दा, बालाकोट कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक तटीय कस्बे थे जो मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशियाई जगहों को जोड़ता था, यानी यहाँ से व्यापार होते थे। वहीं हड़प्पंस उत्तरी अफगानिस्तान में भी व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने बनाई थी जिनका उपयोग एशिया के व्यापार के लिए होता था, मध्य एशिया के व्यापार के लिए। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों से पता चलता है कि 2350 BC के आसपास मेलुहा से उनका व्यापारिक संबंध था। मेलुहा इंडस रीजन का प्राचीन नाम था। मेसोपोटामिया लिपियों में दो व्यापारिक स्टेशनों का जिक्र है, ट्रेडिंग स्टेशंस दिलमुन और मखान, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच स्थित थे। दिलमुन की खोज बहरीन के साथ पर्शियन गल्फ पर हुई। संभवतः इन देशों के बीच व्यापार समुद्र से होता था। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मेहरों पर कई जगह जहाजों का प्रदर्शन किया गया है। एक टेराकोटा मॉडल की जहाज मोहनजोदारो एक टेराकोटा मॉडल की जहाज जो है ये भी खोजी गई है लोथल नामक जगह से। ये संकेत करती है कि उस समय शिप्स और बोट्स का इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। भूमि पर ट्रेवल के लिए, यात्रा के लिए वहां पर कुछ टेराकोटा मॉडल की ब्लैक कार्ड्स का हमें भी जिक्र मिलता है, साक्ष्य मिलता है। कॉपर और ब्रांज मॉडल के भी कार्ड्स जो ड्राइवर के साथ थी वो भी हड़प्पा और चंदुहाड़ू में पाई गई हैं। ये जो कार्ड्स आज के दिनों में जैसा हम इक्के का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हैं, मतलब हॉर्स कार्ड विथ अ हुड, यानी ऊपर एक उनके छत लगी हो, टॉप कवर हो। वहीं अन्य हम बात करें तो जो हमें धर्म से संबंधित मोहरे मिली उन पर जो साक्ष्य मिले हैं उन पर एक व्यक्ति है जो चारों तरफ जानवरों से घिरा। टेराकोटा की मूर्तियां हैं जो कटे हाथों से भी हैं। अन्य जो आपकी मूर्तियां हैं जैसे एक मातृ सत्तात्मक दिखाई गई है जिसमें एक माता की मूर्ति बनी हुई है, एक मूर्ति आपकी ऐसी भी है साज सील है जिस पर योग की मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसे पशुपत बोला गया, पशुपत सील बोला जाता है। एक सिंग वाले जानवर की भी सील मिली है, ये जरूर ध्यान रखना है। और एक योग की मूर्ति, योग की भी सील मिली जिनमें एक व्यक्ति योग करता हुआ दिखाई। ऐसा माना जाता है कि जो वहां पर पशुपत महादेव की पूजा होती थी जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। अगली हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान कुंड मिला है। इस स्नान कुंड में लोग धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान के दौरान नहा जो है स्नान के लिए इस्तेमाल करते थे, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। वहीं इस सभ्यता के अंत के बारे में देखें तो प्राकृतिक आपदाएं सबसे अनुमानित कारण रहा कि जिसकी वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे विनाश हो गया इन सभ्यताओं का। अगली हम बात करें तो इनके इस सभ्यता के साथ साथ विश्व में कई जगहों पर मानव का विस्तार हो रहा था। वो सुमेरियन सभ्यता थी, इजिप्टियन, चाइनीज और मेसोपोटामियन की सभ्यताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ डेवलप हो रही थी। इनमें सबसे जो आपका डेवलप सिस्टम कहा जाए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही माना जाता है। सबसे ज़्यादा परफेक्ट मॉडल यहीं का रहा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी नदियों के किनारे बसे हुए शहर सभ्यताएँ थी। जैसे आपकी हड़प्पा रावी के किनारे है या जो इंडस वैली है। आइए एक नज़र डालते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख केंद्रों पर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो इंडस नदी, सुतकागिंडोर दस्ता नदी, चंदुहाड़ो इंडस, रंगपुर मीदर, कालीबंगन घग्गर नदी, लोथल, साबरमती भोगवा, बानावली सरस्वती और जो आपका रोपड़ है ये सतलज यानी जो पंजाब में स्थित है उसके किनारे है। इसमें से हड़प्पा जो है ये पूछा गया बार बार किस नदी के किनारे है, SSC में आपका आया हुआ प्रश्न है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा के बारे में। इसकी खुदाई दयाराम सैनी के
द्वारा 1921 से 22 के दौरान हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहला स्थल रहा। यहाँ पर अग्निकुंड और गोदाम मिले हैं, टेराकोटा फिग्रीन मदर गॉडेस मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा, यहाँ एक स्नान कुंड, बड़ा हाल, ब्रॉन्ज स्टेचू, डांसिंग गर्ल की, आइडियल ऑफ योगी मिला है। लोथल की बात करें, एस आर राव ने 1957 में खोज की। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला, एसएससी में पूछा गया। एविडेंस ऑफ साइल राइस कल्टीवेशन। कालीबंगन की बात करें, बीबी लाल के द्वारा 53 में खोजा गया, ये राजस्थान में जगह है, इसको एसएससी में पूछा गया है। मड ब्रिक्स जो है फोर्टिफिकेशन की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। फायर पिट्स यहाँ, अग्निकुंड यहाँ पर कई पाए गए हैं कालीबंगन नामक जगह पर। धौलीवीरा की बात करें तो धौलीवीरा 1922 में जेपी जोशी के द्वारा 1992 में जेपी जोशी के द्वारा खोजी गई। गुजरात में ये जगह स्थित है और ये तीनों जो आपके फेजेस हैं हड़प्पा की, उनकी एक तरीके से कड़ी है। धन्यवाद।